हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक न्यू एरर के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी हम कोई पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये एरर दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक पोस्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये एक एरर दे रहा है, पब्लिशिंग फेल्ड और द रिस्पॉन्स इज़ नॉट वैलिड एडजेसेंट रिस्पॉन्स। अगर हम इसका कंसोल में देखें दोस्तों, तो कंसोल में आप देख सकते हो ये जो है कुछ जो हमारा 404 एरर दे रहा है, वो भी किससे? कंसोल से रिलेटेड। ठीक है, मतलब हमारी जो ये जो जेसन फाइल की जो ब्लॉक है, ये जो एडिटर है ना दोस्तों, एक्चुअली ये वाला जो एडिटर है ना वर्डप्रेस का, वो जेसन फाइल को यूज करता है पोस्ट करने के लिए। सो चलिए सबसे पहले इस एरर को फिक्स करते हैं। और सेम ये पेज के लिए भी आ रहा है दोस्तों। जब हम पेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो कोई मान लो मैं एक पेज क्रिएट करने के लिए कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैं पब्लिश कर रहा हूँ तो सेम एरर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस एरर को फिक्स करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो है हम अपनी जो थीम है उसको आगे की कस्टमाइज़ करेंगे। सो इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको जस्ट आना है यहाँ परमा लिंक में, ठीक है दोस्तों। और परमा लिंक पे आपको सेव चेंज, मैंने पहले भी बताया था, ये पोस्ट नेम वाला जो ऑप्शन है इसको चूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे जो ये कह रहा है कि जो राइटेबल नहीं है आपका htaccess फाइल, इसी के चक्कर में ये एरर आ रहा है। सो इसको जो ये जो हमें नीचे रीराइट रूल दे रहा है दोस्तों, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का रूल है। सो इसको हमें जस्ट htaccess फाइल में डालना है, रूट डायरेक्टरी में। रूट डायरेक्टरी कहाँ है? ओपन फोल्डर करेंगे हम यहाँ से और htdocs के अंदर जाएंगे और अपने wp साइट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो htaccess फाइल ही नहीं है दोस्तों। अब देख सकते हो यहाँ चेंज क्या करेंगे हम, htaccess फाइल अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है और इसी की वजह से ये एरर आ रहा है। सो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम htaccess फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे जो है एक काम करता हूँ मैं, एक ब्लैंक फाइल में, जस्ट अ मिनट, ऐसे नहीं, ठीक है, इसी को और इसको कर लेते हैं सेव एज और लोकेशन htdocs, ठीक है, wp साइट ही दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे डॉट नाम ध्यान रखना दोस्तों, डॉट htaccess पे करना है सेव, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे यूज़ करने के लिए कह रहा है, ओके हमने कर लिया। और एक बार चेक कर लेते हैं हमारा फाइल यहाँ जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो htaccess की फ़ाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर जो है हमें ये वाले जो डिफ़ॉल्ट htaccess का जो कोड है वो यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। सो इसको कंट्रोल एस कर देते हैं हम और इसको कर देता हूँ बंद। और अब मे बी ये एरर चला जाना चाहिए दोस्तों। एरर तो नहीं गया है दोस्तों, बट कोई नहीं, हम चला के देखते हैं। हमने जो अपनी htaccess फाइल है वो यहाँ पे सेव कर दिया है और अपडेट हो चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हो डेटा भी आ चुका है। सो हम दोबारा से ट्राई करते हैं दोस्तों अपना जो पोस्ट है वो पब्लिश करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हेलो हेलो वर्ल्ड प्रेस, ओके। सो इसको पब्लिश करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और देख सकते हो दोस्तों ये सक्सेसफुली जो है वो पब्लिश हो चुका है। तो जो हमारा एरर था यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी बेसिक ये सिंपल वेबसाइट है दोस्तों, इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं करा है। जस्ट ये मैं एक एरर एनकाउंटर कर रहा था तो इसको ही सबसे पहले मैंने सोचा कि इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो अब हमारी वेबसाइट पे कोई भी एरर नहीं है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पेज भी अगर हम पब्लिश करना चाहें तो देख सकते हो, मैं एक पेज भी पब्लिश करके देखता हूँ। दिस इज माई होम पेज, ओके। सो इसको अगर हम पब्लिश कर देख सकते हो दोस्तों, ये पेज भी अब पब्लिश हो गया। तो जो जेसन का जो हमारा एरर था दोस्तों, वो हमने सक्सेसफुली जो है वो सोल्व कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो
जो पोस्ट है इजीली पोस्ट भी हो रहा है और जो पेजेस है वो भी यहाँ पे पब्लिश हो रहा है। सो इस तरीके से जो ये जेसन का एरर है दोस्तों एचटीएक्सएस फाइल के कारण आ रहा था, तो इसको आप फिक्स कर सकते हो इस तरीके से। सो ये तो दोस्तों आप लोकल होस्ट पे इस तरीके से फिक्स कर सकते हो इस एरर को, बट अगर ये लाइव सर्वर में आ रहा है आपके एरर, तो भी आप इसको इसी तरीके से फिक्स कर सकते हो। मे बी आपके एचटीएक्सएस फाइल में ही ज़्यादातर दिक्कत रहती है, उसी की वजह से ये जेसन का एरर आता है दोस्तों। सो बेसिकली आपको स्टेप्स फॉलो जो करने हैं, वो आपको अपने रूट डायरेक्टरी में जाना है सर्वर के, और वहाँ पे जा करके जो है आपको जो पहले वाला एचटीएक्सएस फाइल है उसको डिलीट करना है। डिलीट करने से पहले चाहो तो उसका आप बैकअप रख सकते हो फॉर सेफ्टी पर्पज़, या फिर उसको डिलीट ना करके उसको किसी एचटीएक्सएस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। उसके अंदर लास्ट में आप ओल्ड वर्ड यूज कर सकते हो, और फिर आप जो अपने परमालिंक में आओगे और जैसे ही सेव करोगे परमालिंक को, कुछ नहीं करना, आप दो बारी जब सेव करोगे तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो एचटीएक्सएस फाइल है वो अपने आप ही बन जाएगी, तो मे बी आपका जो एरर है वो सोल्व हो जाएगा। कई बार ये दोस्तों ये एरर जो है वो फायरवॉल की वजह से भी आता है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज कर रहे हो या फिर कोई थर्ड पार्टी सिक्योरिटी टूल जैसे क्लाउड फ्लेयर वगैरह यूज करते हो, तो उसके अंदर भी अगर आप कोई पेज रूल या फिर एप्लीकेशन फायरवॉल पे कोई रूल इम्प्लीमेंट करते हो, तो वहाँ पे भी इससे भी कई बार ये एरर आ जाता है। तो मेक श्योर करना कि आप अपनी आईपी एड्रेस को वाइट लिस्ट करें अगर फायरवॉल यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से जो है आप ये कुछ सिनारियो होता है दोस्तों कि ये एरर जब आप आता है तो इस तरीके से आप इसको जो है डिबग कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस तरह का इनबिल्ट टेम्पलेट यूज़ करके कैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।